हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएम न्यूज। आज धोनी अर्धशतक का शतक पूरा करेंगे, आइए जानते हैं कैसे। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही है 5 मैचों की वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी मैच रविवार को कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैच से पहले सीरीज में टीम इंडिया कई रिकॉर्ड्स बना चुकी है। 5वें वनडे में जहां भारतीय टीम की निगाहें जीत दर्ज पर क्लीन स्वीप पर होंगी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट के भविष्य के लिए यह सीरीज संजीवनी साबित हुई है। धोनी ने इस सीरीज में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। कोलंबो में 4वां वनडे उनके कैरियर का 300वां वनडे था। इस सीरीज में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले खिलाड़ी बने, साथ ही वनडे में सबसे ज्यादा 73 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। ऐसे में 5वें वनडे में धोनी के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक पूरा करने का मौका है। धोनी के नाम वनडे में 65, टेस्ट में 33 और T20 में एक अर्धशतक दर्ज है। 4वें वनडे में ही उनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। वह 49 पर बनाकर पवेलियन लौटे थे। इसके साथ ही वनडे में स्टंपिंग का शतक पूरा करने का भी धोनी के पास मौका है। पल्लेकल में खेले गए सीरीज के 2वें वनडे में 9 रन स्टंपिंग के साथ उन्होंने संगकारा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। यदि धोनी 5वें वनडे में एक स्टंपिंग करने में कामयाब हो जाते तो स्टंपिंग का शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन जाएंगे। इसके साथ ही धोनी किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सर्वाधिक अर्धशतक जमाने के मामले में पूर्व श्रीलंकाई कप्तान सुकुमार संगकारा को पीछे छोड़ सकते हैं। धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ जबकि संगकारा ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 18 अर्धशतक जड़े हैं। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट और जानकारी के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें।